नमस्ते। तो अभी हम बात कर लेते हैं हमारे एक बहुत ही बेहतरीन और आउट ऑफ स्टेट से भी आए हैं और देख लेते हैं कि क्या क्या अवार्ड उन्होंने जीते। तो मैम आप बोले कि आप कहाँ से आए? My name is Rakhi Jain. I come from Madhya Pradesh, from Ganj Basoda. District is Vidisha. And today I got the award, first Silver Center as the award. Then I got the Best of MP also. And I feel so excited today. And I really thanks to a first of all God. Then second my mother. Then third my brother. Actually I lost my brother in 2017 and at that time I just talked with Mr. Banerjee and really thanks to Mr. Banerjee kyunki Banerjee sir nahi hote to mere paas mein ye nahi hota sorry Abhishek sir lekin na ye aaj agar mujhe mila hai to because of Mr. Banerjee kyunki Banerjee sir agar mujhko nahi bola hota center ke liye to main shayad yahan tak nahi pahunch pati then meri entire team जो मेरे गंज बासद में बैठी हुई है थैंक यू माई स्टूडेंट्स जिन्होंने मेरा इतना साथ निभाने के लिए और मेरे साथ में भी जो मेरे बहुत केयरिंग लविंग फ्रेंड आए हुए हैं जो कि अभी अंदर ऑडिटोरियम रूम में प्रोग्राम अटेंड कर रहे हैं मैं उनको भी थैंक्स बोलना चाहूँगी और सबसे पहले एंटायर टीम ऑफ NBC को थैंक्स बोलना चाहूँगी सर। मैम मेरा एक क्वेश्चन है कि आप जिस दिन आए थे उस दिन क्या जानते थे कि ऐसा एक ऑर्गेनाइजेशन है या बहुत कुछ डाउट में आप लिए हुए थे? सर बताऊँ ना डाउट में थी सिल्वर सेंटर तो पता था कि कंफर्म हो जाएगा बिकॉज आई कंप्लीटेड माई पॉइंट्स बट बेस्ट ऑफ MP तो बिल्कुल सच में एक सरप्राइज है मेरे लिए कि मुझे बिल्कुल भी अंदेशा नहीं था कि बेस्ट ऑफ MP भी लेकर जाऊंगी इस साल में मीन्स 2019 में मैंने ऐसा कभी सोचा ही नहीं था कि मेरे पास में ये वाला ईयर इतना ज़्यादा लक्की निकलने वाला है। बस मैम और एक क्वेश्चन करने वाला है कि आप NBC के साथ काम करके कितना खुश है आप कितना प्राउड फील करते हैं? ठीक है अभी मतलब देखिए ऑल ओवर इंडिया में 1300 से भी ज़्यादा सेंटर है ठीक है ऑलरेडी दो बार नेशनल लेवल अवार्ड एक बार इंटरनेशनल लेवल अवार्ड तो आप कितना प्राउड फील करते हैं आप बोलिए। मैं बहुत ज़्यादा प्राउड फील करती हूँ दैट आई एम द मेंबर ऑफ द NBC बीइंग अ पार्ट ऑफ ए फैमिली आई फील अ वेरी प्राउड फॉर माय NBC फैमिली मुझे NBC जैसी फैमिली मिल गई लाइफ में ये मेरे लिए बहुत लकी है जी सर। मैम तो और एक क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन तो आपको क्या लगता है बेस्ट ऑफ इंडिया इस बार कौन होने वाला है? That I really don't know that who will be the best of India because जो best of India के लिए तो best रतन जो award मिल चुका है उन्हीं लोगों में से किसी को होना चाहिए क्योंकि वो सबसे ज़्यादा hard working करते हैं हमने भी अपना पूरा कोशिश किया try किया and I will try level best in the next year also। ओके तो थैंक यू मैम थैंक यू और हम उम्मीद करते हैं कि अब अगले साल और भी बेहतरीन कुछ अवार्ड आप अचीव करेंगे। तो और एक बात है जो मतलब आइए देखते हैं कि बेस्ट ऑफ इंडिया कौन होते हैं।